कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दाही वाली मगम्मा पाठ का सारांश देखेंगे। आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप बिल्कुल तरह से ये जानना चाहते हैं इस पाठ का, आप जो है इस तरह से कहानी सुनना चाह रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, और याद हो जाए तो आप कभी भूले ना, अर्थात ये हो जाएगा कि आपके एग्जाम इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। तो मैं कुछ इस प्रकार से आपको कहानी बताने वाला हूँ कि आप अगर सुन लेते हैं सच में तो आपको भूलने की बात ही नहीं है। हो सकता आप सुने होंगे, लेकिन इसमें काफी टॉपिक होगा जो आप नहीं सुने होंगे या पता नहीं होगा, तो वो भी आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए बने रहिए और सुन लीजिए। सबसे बोलते हैं, जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उन सभी से भी बोल रहे हैं कि आप इस कहानी को सुन लीजिए। हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए देखिए दही वाली मगम्मा में एक ऐसी महिला के बारे में बताया गया है जो अपनी विषम परिस्थिति में भी अपनी परिवार को किस प्रकार से चलाती है। वो दही बेच करके अपना जीवन यापन करती है। इस पाठ का जो है मुख्य पात्र जो है, यानी मुख्य पात्र कहने का अर्थ होता है आपका कि किसी भी पाठ का जो है मैन आदमी कौन है। तो इस पाठ में आप नाम से है कि दही वाली मगम्मा, इस पाठ का जो है शीर्षक ये है मगम्मा, और मगम्मा इस पाठ का मुख्य पात्र है। आप पात्र समझ गए होंगे कि किसी भी पाठ का किसी भी कहानी का किसी भी फिल्म का जो है मुख्य पात्र होता है वो हीरो होता है। तो इस पाठ का जो हीरो है जिसके बारे में अधिक चर्चा हुआ है उसका नाम है मगम्मा। तो मगम्मा इस पाठ का क्या है आपको पता चल गया, पात्र है। आपको बता दें इस पाठ का लेखक जो है आपका श्री निवास जी है, और इसका अनुवाद जो किया है वो किया है V.R. नारायण ने किया है। V.R. नारायण इसका अनुवाद किया, ठीक है। यहाँ पर इस कहानी का अनुवाद V.R. नारायण ने किया था, किसी और भाषा में किया था। समझ गए यहाँ तक कंप्लीट होगा और आप समझ भी गए होंगे। अगर आपसे यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन थे, तो आपको क्या कहना है, श्री निवास जी। वही कहेगा इस दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवाद किसने किया था, तो V.R. नारायण ने किया था। अब बात करेंगे जो मगम्मा जो थी, ये जो है दही बेचने जाती थी बेंगलोर। ये बैंकट गांव की थी महिला। ये अपने परिवार में चार परिवार के साथ रहती थी। एक इसका था अपने खुद थी, एक बेटा था और एक पोता हुआ, एक पोता था। अर्थात इसके परिवार में कुल चार व्यक्ति थे, यानी चार परिवार थे, टोटल परिवार चार थे। ये मगम्मा महिला जो है ये दही बेचा करती थी, और ये दही बेचने के लिए जाती थी बेंगलोर। वहां ये श्रीनिवास के यहाँ रोज जाती थी दही देने के लिए बेंगलोर में, और वहां देती थी दही। और बता दें आपको, इसका दही बेचने में जो बोलती थी, आप जैसे मानिए कि कोई बेचते हैं कपड़ा, तो बोलते हैं कपड़ा ले लो, जो मलाई ब्रा बोलता है डुडुगिया बजा के आपको बुलाता है लेने आइए। लेकिन इसका एक स्टाइल था बोलने का कि माँ जी दही लोगी, माँ जी आज बहुत अच्छा दही है, और अच्छा है मतलब इसका थक्का बहुत अच्छा है। अपना बोलने का स्टाइल होता है, मीठी वाणी बोलिए, मन की आप आंखों सारे कुछ होता है ऐसा ही। यानी आप जितना किसी को जीत सकते हैं, मन को जीतिए, अपने बिजनेस उतना बढ़ेगा। बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, आप जितना अच्छा से बोलकर, आप जितना मतलब जो है ग्राहक को जो है कितना आप अपनी बातों में ला लेते हैं, खींच लेते हैं। तो यही बात है मगम्मा का। मगम्मा का जो है बेचती थी, तो उसका एक ही पुकार था, दही लोगी माँ जी, दही ले लो माँ जी, आज बहुत अच्छा दही है, उसका ये भाषा था। और वो श्रीनिवास के यहाँ दही महीना में एक महीना तक लाट देती थी, और एक महीना के बाद रुपया लेती थी। इस विधि को हम लोग कहते हैं बारी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शुरू में ही पढ़े होंगे, तो बारी के बारे में शुरू में यहाँ पे पढ़े होंगे, आपको बारी के बारे में देखने को मिलेगा। बारी मतलब होता है, उसे बंगाली भाषा बारी मतलब होता है, तुम्हें बारी कोता है छिलो मतलब होता है, तुम्हारा घर कहाँ है, आमी बारी पटना छिलो, ऐसे बोलते हैं लोग, मतलब क्या बंगाली में बोलते हैं। तो बंगाली में बारी का मतलब होता है घर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है बेंगलोर के हिसाब से, और ये बारी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को, मान लीजिए दूध किसी को उठा दीजिए एक महीना के, या किसी को एक थप्पड़ देना उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो याद नहीं करते हैं, और एक मतलब डंडा उठाना लग चुका है, महीना में लगता है, इसको कहते हैं बारी। समझ में आ गया ना, इसको बारी कहते हैं। तो मगम्मा जो दही देती थी श्रीनिवास के यहाँ, इसको हम बारी कहते थे, क्योंकि एक महीना देने के बाद ही वो रुपया लेती थी। और ये जब भी जाती थी श्रीनिवास के यहाँ, तो श्रीनिवास की पत्नी से इनका काफी दोस्ती था, क्योंकि महिला को महिला से ही दोस्ती होता है। सुख अपना सुख सुख क्या करते, सुख दुख बात करती थी। इसमें क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जब मगम्मा की पुतहु नजम्मा, मगम्मा के पोतों का नाम था नजम्मा, नजम्मा जब पोते को यानी अपने बेटे को
पीट रहे थे यानी मगम्मा के पोता को, तो मगम्मा ने उसको एक बात बोल दिया जो उसको सीधे सटाक से उसका माइंड में लग गया, उसको शॉट लग गया। बोले क्या राक्षसनी काहे मारती है बच्ची को, और वास्तव में आजकल के जो पोतहू होती है वास्तव में वो राक्षसी होती है। अब आप लोग इसकी उदास मत होइएगा, बहुत कम होते हैं और 100% कुछ परसेंट ऐसा निकल जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है उसे राक्षसी बोलने पर उसकी जो है वो पोतहू उसकी मगम्मा के पोतहू मगम्मा से लड़ जाती है और काफी बार इसको जो है बोलती है कि मगम्मा बार बार बोलती है कि मैं इस घर का मलकिन हूँ, आप हमसे जवान लड़ाएगी। लेकिन नजम्मा कहाँ आजकल के पोतहू मानती है, सोचो मतलब थोड़ा सा सोचती है कि छूट मिले तो छोटा वोटा पकड़ के सब, ताकि एक खाना वाना भी बचेगा, ऐसा सोचती थी। लेकिन नजम्मा से हुआ, नजम्मा को बार बार बोली मगम्मा कि मैं इस घर की मलकिन हूँ, मेरे पे घर चलता है, तुम ऐसे बोलेगी। एक ही बेटा था मगम्मा के पास, लेकिन लड़ाई हुआ, बोला आने दे तुम अपना हस्बैंड को यानी पति को, हम उसको बोलते हैं। और पति आया तो आजकल कौन बेटा ऐसा है जो अधिक पत्नी का मां में क्या किसका होते हैं, आप लोग को पता है कि बेटा जो होते हैं वो लगभग अभी के लड़के जो होते हैं कुछ परसेंट है जो माँ की होती है, लेकिन 80% है जो मतलब अपनी पत्नी की ओर रहती है। तो इसका बेटा भी बोले माँ तुम काहे उससे मुंह लगाई, क्योंकि तुम जानती है वो अपने बेटा को मार रही थी, तुम उसको काहे टोकी, यानी वो भी घुरा फिरा करके अपनी पत्नी की ओर गई। इससे दोनों में लड़ाई क्या हो गया, थोड़ा एसिड हो चल गया, यानी लड़ाई थोड़ा बढ़ गया। तो मगम्मा क्या बोलती है कि तुम लोग रहो घर में, हम जाते हैं, और वो वहीं पर एक अलग झोपड़ी में रहने लगी, खाना पीना अलग बनाने लगी। बात बीतते गया, उसके बाद क्या होता है, फिर वो दही बेचने जाती तो गई, तो फिर निवास वहां उनके यहाँ सब दिन जाती थी श्रीनिवास के पत्नी के यहाँ। तो उनकी पत्नी आई बाहर तो उनको बोलते है क्या मगम्मा आज बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है। मगम्मा बोली क्या बताए, कुछ नहीं, यहाँ लगता है दुनिया में कोई है ही नहीं, यानी लड़ाई हो गया तो बताए ऐसे ऐसे लड़ाई वड़ाई हो गया है, तो सब बात बताए। उसके बाद क्या होता है, आपको मगम्मा क्या करती है कि वो फिर घर आती, ऐसे करते करते उसको उसके गांव में जो था एक बात था इसमें, मगम्मा जब भी दही बेचने जाती वो पोता को दही देती थी खाने के, थोड़ा ऊपर से काट कर अच्छा, क्योंकि पोता होता है लाडला होता है सबका होता है, और माँ के लिए हर बच्चे लाडला होता है, चाहे वो अपना बेटा भी हो या पोता हो या फिर किसी अन्य का भी, वो सबके माँ माँ होती है। ये तो आप लोग समझ रहे हैं, माँ माँ होते हैं, पिता पिता होते हैं, माँ की ममता पिता की पहाड़ बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बात था, लेकिन वो क्या कि एक दिन नजम्मा ने अपने बेटा को यानी मगम्मा के पोता उसके साथ पास नहीं आया, तो उसने देखी, मगम्मा ने देखी कि वो पोता को पोता जो है आने नहीं दे रही थी, तो उसने इससे भी उदास हो गई और गई फिर मतलब, और उसने क्या की बाद में सोची अब रुपया लेकर क्या करेंगे, खाए पिए नहीं, कुछ अच्छा पहने नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन एक बात था इसमें खासियत, मगम्मा जितना भी कमाती थी साल में एगो का झुमका टीका उका सब देती थी अपना पुतहू की। और शादी में भी जब नजम्मा की शादी हो रही थी यानी मगम्मा पुतहू के घर में लाई थी, तो काफी जेवर झुमका तुमका कान वाली जो भी होता है सब खरीद करके देती थी, और साल में एक एक देती थी। अब मान लीजिए अब साल में देती है 10 साल तक अगर उसका सास अगर रह जाती तो 10 वो हो गया, मतलब हो गया, आप समझिए किधर वो नाक में लटकाने के नाक में के केस में, मतलब उसको मतलब पहनने की जगह नहीं रहेगा। और वो महिला नजम्मा राक्षसी सही थी, क्योंकि वो समझिए उसको मतलब लड़ाई करके अलग हटा दिया, अलग करके खूब खुश थी। समझिए ऐसी पुतहू होती है आज करके, जिसको एक झुमका साल में मिलता था वैसी मतलब सास को अलग कर दी। ऐसे में होते होते मगम्मा नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन अपना पुत्र उसका इच्छा था, थोड़ा अलग होने का उसका भी शौक था। तो ऐसा होते होते उसने क्या किया, एक दिन क्या उसी गांव में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति रहता जिसका नाम था रगम्पा। पूछेगा रगम्पा कौन था, तो ये था जुआरी टाइप का एक व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया, मगम्मा को जब जाना कि पुतहू सास पुतहू का झगड़ा हुआ है, तो बीच में सोचा हम क्या करेंगे इसका फायदा उठाएंगे, दोनों के झगड़ा के बीच में मगम्मा को बोला तनी पैसा दीजिए कर्जा, हम कुछ मतलब आपको रागी बेच कर देंगे। रागी कुछ होता आपने बोला बेच कर देंगे, अरे बहाना था वो, देगा थोड़ी जो लूटपाट करने वाला देता है रुपया। तो ऐसा मगम्मा बोली ठीक है हम कल बात करेंगे, और मगम्मा ये सोचकर गई कहाँ श्रीनिवास के यहाँ, दही बेचने जाती तो उसको बोली कि हमारा कुछ रुपया है लिखिए रखिएगा। और इसी बीच मगम्मा ने क्या की मलमल की साड़ी यार खरीदी, ब्लाउज यार खरीदी थी मलमल का, और अच्छा खासा पहनने वाली। अब लोग उसको जो देख रहे थे बोल रहे थे आह ये तो पोता मतलब अलग होकर के ये मलमल की साड़ी यार पहन रही है, मतलब ये सब बोले, ये सब हुआ था। उसके बाद क्या रगम्पा फिर एक दूसरा दिन जब जाती है मगम्मा बेचने दही, तो दूसरा दिन रगम्पा क्या करते हैं, रगम्पा क्या करते हैं अमराई के कुआ, याद रखिएगा अमराई के कुआ के पास मगम्मा बोलते हैं आओ आओ बैठो। मगम्मा को लग गया अगर हम नहीं बैठेंगे तो ये हमको जो है मतलब बूढ़ी है लेकिन ये मतलब थोड़ा लफंगा समझा, ये हमको बाह पकड़ के जबरदस्ती भी बैठा सकता है रगम्पा। रगम्पा जो था एक मेल था यानी पुरुष कोई व्यक्ति था, इससे थोड़ा उसको डर भी लग रहा था मगम्मा को, उसको बैठाया, हिलाई नहीं बैठाया। और बैठाया फिर क्या किया,
उसको बोला कुछ कर्जा उर्जा दीजिए। तो फिर मगम्मा ने बातचीत करते करते बोली ठीक है हम आ जाते हैं तो घर पर विचार करेंगे। और जब यही बात देखिए कैसे मिलते हैं सास पुत्र, फिर एक मतलब मिल कैसे जाते हैं, यही बात जब नजम्मा को पता चला किसके माध्यम से, रगम्पा ने ही जाके बोला कि तनी आपके सास से कुछ पैसा कर्जा मांगे। तो नजम्मा सुनी तो वो चतुराई थी, वो समझ गई कि अभी हमारे सासू माँ मगम्मा के पास काफी धन दौलत काला धन होगा छुपा कर रखी हुई। तो सोची कि ये सब लगता है कहीं रगम्पा ठग लेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या की कि अपने पोता को लो जब अपना मामा के पास रसगुल्ला मिठाई दे। आ सही बात ऐसा ही थी, मगम्मा जो है के पास वो भेज दिया करती थी वो महिला नजम्मा अपनी बेटे को। तो आया तो और महिला मतलब मगम्मा खुश हुई और धीरे धीरे क्या किया, लड़का बोला कब हम तुम ही के पास रहेंगे, लड़का नजम्मा के पास नहीं जाने लगा। ऐसा हो गया एक दिन की बात क्या है, एक रात में हुआ कि नजम्मा और नजम्मा की पत्नी यानी मगम्मा के बेटा दोनों रात को आई मगम्मा के पास, बोली माँ जी गलती हो गया सो मतलब माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि धन दौलत का इसका लोभ था, इसलिए वो इसको मिलाए थे बाद में। और उस प्रकार से क्या समाज कुछ लोग भी आए बोले क्या करेगी मगम्मा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही साफ सुथरों के झगड़ा होता है उम्र बढ़ता है, इसमें ये बात बोला गया। अब हमको लगा उम्र बढ़ता है एक बार और लड़ लेते तो कुछ उम्र बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है, वो कहावते के रूप में हम लोग इस कहानी में बोल देते हैं। तो इस तरह से आपका कहानी क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। मुख्य रूप से ये बात आता है कि पूछेगा कि रगम्पा ने कहाँ पे मगम्मा को बैठाई थी, अमराई के कुआं के पास। कौन जा रही थी मगम्मा, क्या करने जा रही थी, दही बेचने जा रही थी, तो वो वहां पे बैठ गई। पूछेगा कि रगम्पा कौन था, तो एक ज्वारी टाइप का एक व्यक्ति था जो मगम्मा से क्या चाहता था, तो मगम्मा से चाहता था कि कुछ रुपया और काला धन टान ले, कर्जा के रूप में ले ले और झगड़ा लड़ाई हो चुका हम इसको नहीं दे, ये सोच रहे थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। और मैं एक बात बताता हूँ, इस चैप्टर में से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। यदि आप अभी तक हमारी वाणी को सुने होंगे तो आपको मैं बोल सकता हूँ 100% आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेगा, हम क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी होगा इसके साथ। हाँ देखिए, मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो सिंपल सी बात है पोता के लेकर। क्यों विवाद हुई थी, पोता के लेकर के दोनों के बीच विवाद नहीं लड़ाई हुआ था, सास पुतों के बीच जो है झगड़ा हुआ था, झुटम झुटी हुआ था, जो भी हुआ होगा पता नहीं, अब जो होता है गांव घर में। अब है दूसरा है, रगम्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। सेम क्वेश्चन आ गया, रगम्पा कौन था, एक ज्वारी टाइप का व्यक्ति था जो मगम्मा से क्या चाहता था, तो मगम्मा से वो चाहता था कि उससे कुछ इनकम ठगे, रुपया ठगना चाहता था यानी कर्ज लेना चाहता था। ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, बहू यानी नजम्मा ने मगम्मा को अपनाने के लिए मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, पोता का सहारा लिया, बोला जाओ तुम अपने मम्मी के साथ रहो। अगला बात है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका कथावाचक कौन किया है, तो श्रीनिवास जी ने किया है, इसका अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। अब है मगम्मा का चरित्र चित्रण, किया मगम्मा के जीवन में क्या क्या बीता इस बात को लिख दीजिए, मगम्मा ने कैसे दही बेचे, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, सब बात लिख दीजिए, आंख बंद करके नंबर मिल जाएगा। कहानी का सारांश लिखना, जो भी बात आप सुने हैं कहानी अपने मन से लिख सकते हैं, मगम्मा एक ऐसी महिला थी ऐसे डिस्टेंट जो भी हुआ वो लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप यहां तक वीडियो को वॉच किए होंगे, आप समझ भी गए होंगे, अगर समझ गए तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगर अगला वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, वहां तक शेयर करें जितना भी एजुकेशनल ग्रुप में सभी में शेयर करें, क्योंकि मैं कहानी सुना दिया हूं और ये कहानी ही सुन लीजिए, मात्र आपका 15 मिनट का क्लास है, आपको ये कहानी बिल्कुल फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।